अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू द फिफ्थ लेसन। पिछले लेसन के अंदर हमने क्वेश्चनियर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, एंड क्वेश्चनियर कैसे बनाते हैं और उसके अप्रूवल अपने डिपार्टमेंट से कैसे लेते हैं, यानी कौन स्टैंडर्डाइज करता है योर क्वेश्चनियर। वो सब अबाउट क्वेश्चनियर था। जब आपका क्वेश्चनियर अप्रूव हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपने सैम्पलिंग कैसे करनी है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, सैम्पल साइज आपने डिवाइस करना होता है। तो आज के लेसन में हम यही टॉपिक्स पढ़ेंगे कि सैम्पल साइज कैलकुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन से होते हैं और डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन से होते हैं। एमंग द थ्री ये दो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर जब आपका रिसर्च आपकी CV के ऊपर मैंशन होता है तो इसी एरा के अंदर आप क्वेश्चंस किए जाते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह, द ग्रेशियस, द मर्सीफुल, पीस एंड सल्यूटेशन अपॉन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं या कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको पता होने चाहिए बिफोर गोइंग अहेड टूवर्ड्स द सैम्पलिंग टेक्निक्स या सैम्पलिंग साइज कैलकुलेशन। उसमें से कुछ तो पहले से ही आपको पता है, लाइक पॉपुलेशन और सैम्पल। पॉपुलेशन जो है द इंटायर ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट इज अंडर कंसिडरेशन फॉर अ पर्टिकुलर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैम्पल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर। मीन ये वो पॉपुलेशन का वो हिस्सा होता है जो कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी से जो कंक्लूजन आपके स्टडी के आते हैं दैट आर एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन विद अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप इसके कंक्लूजन को पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। एंड द थर्ड वन इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम इज बेसिकली अ लिस्ट और डिवाइस जिसमें से आप पॉपुलेशन का एक पार्टिकुलर, जिसके बेस पे आप पॉपुलेशन का एक पार्टिकुलर हिस्सा जो है वो स्पेसिफाई करते हैं फॉर योर सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आप उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया लगाते हैं, कोई उसका कंप्लीट लिस्ट आप बनाते हैं, उसके ऊपर कोई टूल लगाते हैं, टूल अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू रिक्रूट देम एज अ सैम्पल, तो वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम बन जाता है। बाकी इधर से आप पढ़ लें। उसके बाद है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दो चीज़ें हमारे पास अक्सर अल्टरनेटिवली यूज़ होती है बट दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल डेटा क्या है एंड इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा इज़ बेसिकली रॉ इंफॉर्मेशन, मीन बिफोर प्रोसेसिंग आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं दैट आर कॉल्ड डेटा, और जब आप उसको प्रोसेसिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, आप उसको रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, द डेटा कन्वर्ट्स इंटू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज़ बेसिकली अ रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ द डेटा। ये पांच चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं सैम्पल साइज कैलकुलेशन की तरफ। सैम्पल साइज आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने एक स्टडी के लिए, एक रिसर्च के लिए कितना सैम्पल साइज लेना है। तो उसके चार अप्रोचेस जो कि कॉमनली अडॉप्ट किए जाते हैं दैट आर आर्बिट्री अप्रोच, कन्वेंशनल मेथड, कॉस्ट बेनिफिट मेथड एंड स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट मेथड। आर्बिट्री जो अप्रोच है दैट इज़ द रूल ऑफ थंब, और हमेशा से यानी मोस्ट ऑफनली यही अडॉप्ट किया जाता है। उसमें यह है कि जो सैम्पल फ्रेम आपने डिवाइस किया है, जिन लोगों को पॉपुलेशन में से आपने स्पेसिफाई किया है दैट आर ऑन योर लिस्ट, उसमें से आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं 5% लोगों की या 10% लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉपुलेशन डिवाइस किया कि रूरल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर के अंदर आपने कोई रिसर्च करनी है, तो आपने उसका एक सैम्पल फ्रेम बना लिया और फिर यानी स्पेसिफिक उसके टूल्स बना लिए, उसका एक लिस्ट बना लिया, और उस लिस्ट में से फिर आपने 5% या 10% लोगों को आपने कहा कि मैं 5% सैम्पलिंग करता हूँ, तो आपने उसमें से 5% लोगों को
अपने सिंपल के अंदर इंक्लूड किया, जो जो आपका सिंपल साइज बना दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल साइज दैट इज़ ऑब्टेंड वाया आर्बिट्ररी अप्रोच। सेकंड चीज़ जो है कन्वेंशनल मेथड, ये कंजर्वेशनल या कन्वेंशनल मेथड्स जो हैं वो ये है कि अगर सिमिलर स्टडी प्रीवियसली उसी पॉपुलेशन के अंदर हुई हो, या सेम स्टडी जो किसी और पॉपुलेशन के अंदर हुई हो, या इंटरनेशनली किसी रिसर्च में हुई हो और आप लोकली उसको अप्लाई करना चाहते हैं, या लोकल उसके अंदर आप कोई चेंजेस करके वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि उन रिसर्चेस के अंदर कितना सिंपल साइज लिया गया था, तो उतना ही सिंपल साइज आप अपनी स्टडी के अंदर भी लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल मेथड। यानी कोई स्टडी ऑलरेडी हुई है सेम स्टडी किसी पॉपुलेशन के अंदर, अगर आप उसको दूसरी पॉपुलेशन में करना चाहते हैं, तो जो उस सिंपल साइज प्रीवियस स्टडी ने लिया उतना ही सिंपल साइज आप कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल मेथड। कॉस्ट बेनिफिट मेथड, कॉस्ट बेनिफिट मेथड वो होता है कि जितना उतना ही सिंपल साइज ले जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। मीन अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख है एंड आप 10,000 सिंपल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 10,000 ले, अगर आप 5,000 सिंपल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 5,000 ले, अगर आप 1,000 सिंपल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1,000 सिंपल ले। जितना बड़ा सिंपल होता है बेसिकली एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ता है। तो जितना आपके पास वो कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी पाँव फैलाओ, तो जितना कॉस्ट आप बर्दाश्त कर सकते हो सैम्पलिंग के ऊपर, तो उतना ही सैम्पल साइज आप ले लें। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट मेथड या कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। द थर्ड वन, द फोर्थ वन इज़ स्टेटिस्टिकल रिक्वायरमेंट मेथड। अब इसमें आपने देखना होता है कि आप जो डेटा इकट्ठा करोगे, जो डेटा कलेक्ट करोगे, आपने उस पर कौन कौन से स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स या स्टेटिस्टिकल आपने उसके ऊपर एनालिसिस अप्लाई करने हैं, उनको देखते हुए आपने सैम्पल साइज डिवाइस करना है। इसके लिए एक फार्मूला है जो कि कॉकरेंस फार्मूला है, वो आप आगे आएगा वो मैं बताऊँगा। तो उसके बेस पर आप एक आइडियल सैम्पल साइज आपने अपने स्टडी के लिए वो कर सकते हैं, डिवाइस कर सकते हैं। वो कॉकरेंस फार्मूला क्या है? कॉकरेंस फार्मूला ये है कि n इज इक्वल टू जी स्क्वायर पी इंटू 1 माइनस पी एंड डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे कैलकुलेट करने हैं? n इज़ द सैम्पल साइज, ऑब्वियसली जो सैम्पल हम कैलकुलेट करेंगे उसको हमने ये फार्मूला ही सैम्पल साइज कैलकुलेशन के लिए, तो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू सैम्पल साइज एंड z इज इक्वल टू स्टेटिस्टिक फॉर अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी ये अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% हो, तो z की वैल्यू आपके पास 1.96 फिक्स आएगी, तो आप 1.96 आप इसमें पुट करें। p इज बेसिकली एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रीवेलेंस और प्रोपोर्शन एंड d इज प्रिसीजन। अब इसके अंदर जो z है और d है दैट आर ऑलमोस्ट एंड मोस्ट ऑफनली क्या है, कंसिस्टेंट है या कांस्टेंट है या फिक्स्ड है। z की वैल्यू आप 1.96 दें बिकॉज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 95%, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आएगी, 1.96 आएगी। और d की वैल्यू जो है ये d इज बेसिकली द एरर, द सैम्पलिंग एरर जो कि 5% होती है, तो आप उसमें 5 इसकी वैल्यू 5 लें, सही है, 5% लें। यानी डी की वैल्यू जो है वो 5% है तो इट विल बी 0.05, और इसी तरह इसकी वैल्यू भी बता दी 1.96, तो ये दो फिक्स हो गए, ये तो आपको फाइंड ये तो आपका आंसर आएगा। एंड दिस पी इज़ बेसिकली द थिंग दैट यू हैव टू डिटरमिन, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो वो किस तरह आप करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। या तो अगर पहले कोई स्टडी हुई है सिमिलर स्टडी, तो उसके अंदर जितनी पी के वैल्यू इस्तेमाल हुई है तो आप भी वही इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल किसी डिजीज़ के ऊपर, कोई प्रीवेलेंस के ऊपर कोई स्टडी हुई है, उसकी जो प्रीवेलेंस था या लेवल ऑफ प्रीवेलेंस, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रीवेलेंस था उस स्टडी के अंदर 20% रखा गया था, तो आप भी वही 20% यूज़ करें। अगर इंटरनेशनली कोई सिमिलर स्टडीज़ अवेलेबल हैं और उनके अंदर एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रीवेलेंस बताया गया है, तो वही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर
ना कोई इंटरनेशनल स्टडी अवेलेबल है और ना ही कोई डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर कोई ऐसी स्टडी अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, यानी आपको कुछ भी पता नहीं कि मैं एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रिवेलेंस क्या रखूं, तो आप जो बेसिक रखा जाता है वो 50% है, और 50% एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रिवेलेंस के ऊपर आपके पास जो सैम्पल साइज आता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 380 राउंड अबाउट आता है, एंड इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल एंड वेरी आइडियल। तो आप बेसिकली ये तीन चार चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्टेटिस्टिक्स लेवल जो है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपने 95% रखा है तो वो आपका 1.96 आएगा, और पी की वैल्यू आपके पास अगर पता है किसी कोई पहले से स्टडी हुई है तो वही रख ले, अगर नहीं पता तो आप 50% रख ले, और डी की वैल्यू आप 5% रख ले एंड देट विल बी 0.05। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट मैनुअली। ऑनलाइन आप नेट के ऊपर जाएंगे, कोकरांस फार्मूला, कोकरांस कैलकुलेटर डायल कर उसमें टाइप करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपके पास काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स आ जाएंगे, तो दो तीन से कर लेना और सिमिलर रिजल्ट जब आ जाएंगे तो आप उस सैम्पल साइज को कंसिडर कर लेंगे। इट्स वेरी ईजी, कोई परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स है, यानी सैम्पलिंग के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडली इनको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द सेकंड इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑब्वियसली दिस इज़ सुपीरियर टाइप ऑफ सैम्पलिंग एंड दिस इज़ इन्फीरियर टाइप ऑफ सैम्पलिंग। मैंने इनको ओरिएंटेशन भी ऐसी दी ताकि आपको ये बात याद रहे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग, और ये इन्फीरियर है, बट इनका एडवांटेज ये है कि ये ईजी टू प्रोसीड हैं, यानी आप आराम से ये इसमें से कोई टाइप सेलेक्ट करके इसके ऊपर सैम्पलिंग कर सकते हैं। ये ऑल दो डिफ़िकल्ट हैं, बट दे आर मोस्ट स्टैंडर्ड एंड मोस्ट जो है जो चॉइस है, मोस्ट वैलिड टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सैम्पलिंग होते हैं। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, और इसके फर्दर कैटेगरीज कौन सी है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मींस दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसमें इक्वल चांस होता है, जितना भी आपका पॉपुलेशन होता है हर एक इंडिविजुअल या हर एक मेंबर का इक्वल चांस होता है टू बी रिक्रूटेड एज अ पार्ट ऑफ द सैम्पल। इट इज़ मेनली यूज फॉर क्वान्टिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्चेज, एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर द मोस्ट वैलिड चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कंक्लूजन्स आए, जो रिजल्ट आए, वो पूरे पॉपुलेशन को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करे, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें आपका जो कंक्लूजन आएगा दैट विल बी परफेक्टली रिप्रेजेंटिंग द कंक्लूजन ऑफ द होल पॉपुलेशन। इसकी सब कैटेगरीज जो है, इसके सब कैटेगरीज जो है वो चार हैं। प्रोबेबिलिटी के जो फर्दर टाइप्स है उसमें आता है सिंपल रेंडमाइज सैम्पलिंग SRS, स्ट्रेटिफाइड रेंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि इन सब का क्या मतलब है और किस तरीके से और कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम देखें सिंपल रेंडमाइज सैम्पलिंग या SRS, सिंपल रेंडमाइज सैम्पलिंग के अंदर ये होता है कि जो भी आपका पॉपुलेशन होता है उसमें से आप रेंडमली लोगों को रिक्रूट करते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 की पॉपुलेशन है और आपने 100 सिंपल साइज रखा हुआ है, तो आप 100 जितने भी लोग हैं उनको एक नंबर डिवाइस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 till 1000। तो आपने 1000 नंबर दिए, फिर उनको क्या किया, उनमें से रेंडमली रिक्रूट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 पर्चियाँ आपने बनाई, उनको एक डब्बे में रखा और उनमें से 100 को उठा लिया रेंडमली, दैट विल बी कॉल्ड सिंपल रेंडमाइज्ड सैम्पलिंग। इसके लिए कंप्यूटर रेंडम नंबर जनरेटर्स भी, सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं, और लेकिन मैंने सिंपल आपको बता दिया कि जितना भी आपका पॉपुलेशन साइज है उनको आप क्या करें, एक नंबर या कोई टैग दे और उनमें से फिर रेंडमली उनको सेलेक्ट करें, दिस इज़ कॉल्ड सिंपल रेंडमाइज सैम्पलिंग।
दूसरे नंबर पे है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में ये होता है कि आप का जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनके आप क्लस्टर्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, और फिर ग्रुप्स को आप किसी स्पेसिफिक एक ग्रुप को या दो ग्रुप को या पांच ग्रुप को आप रिक्रूट करते हैं। दैट्स कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई स्टडी करना चाहता हूँ टीबी की प्रिवेलेंस इन द रूरल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, और मेरे पास 100 गाँव आ जाते हैं, 100 विलेजेस आ जाते हैं, और मैं हर विलेज को क्या करता हूँ एक क्लस्टर के तौर पर ले लेता हूँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि 5 विलेजेस को उठा लेता हूँ और उनके ऊपर रिसर्च करता हूँ। तो इस तरह आप क्लस्टर बनाते हैं और क्लस्टर को फिर आप रेंडमली वो करते हैं, रिक्रूट करते हैं फॉर योर सैम्पलिंग। दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आल्सो इन्वॉल्व डिवाइडिंग ऑफ द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक टू द होल सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल, रूरल पॉपुलेशन है तो हर गाँव क्या है दैट इज बिलोंग्स टू द रूरल, उसके ऊपर वो क्राइटेरिया अप्लाई होता है। इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल फ्राम ईच सब ग्रुप, यू रेंडमली सेलेक्ट एंटायर ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 200 ग्रुप बने हैं या 100 ग्रुप बने हैं, 100 विलेजेस बने हैं, ईच विलेज इज़ अ क्लस्टर, और हम उसमें से 5 विलेजेस ले लेते हैं, तो हमने 5 क्लस्टर ले लिए। दैट्स कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। दिस मेथड इज़ गुड फॉर डीलिंग विद लार्ज एंड डिस्पर्स पॉपुलेशन। ऑब्वियसली मैंने जो एग्जाम्पल दिए कि हम रूरल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो काफ़ी इधर उधर फैले हुए हैं सारे, तो आप सब तक अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप क्लस्टर बनाते हैं और फिर 2, 3 या 5, 10 जितने भी क्लस्टर्स, आपका जितना भी सैम्पल साइज है वो क्लस्टर आप रिक्रूट करते हैं फॉर योर सैम्पलिंग। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इसको आप बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले, इसको याद रखें। ये अमूमन पूछे जाते हैं कि सिंपल रेंडमाइज सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो ये है कि आप एक स्पेसिफिक पैटर्न उसमें लेते हैं, इस सैम्पलिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1000 की पॉपुलेशन है टोटल, और सैम्पल साइज जो है आपके पास 100 है, और आप ऐसा करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं हर इवन नंबर जो आएगा मेरे पास वो मैं सेलेक्ट करूंगा फॉर पॉपुलेशन, फॉर सैम्पल, तो वो आपके पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गई। यानी अगर हर मतलब पहला बंदा मैंने सेलेक्ट किया, फिर 2 छोड़े, फिर तीसरा सेलेक्ट किया, फिर 2 छोड़े, फिर 5वां सेलेक्ट किया, इस तरह, मतलब 1 सेलेक्ट किया उसके बाद 2 छोड़े, फिर 1 सेलेक्ट किया, फिर 2 छोड़ दिए, उसके बाद फिर तीसरा सेलेक्ट किया, इस तरह से कोई भी पैटर्न, या 1 के बाद 1 रिक्रूट करना, या 3 के बाद 1 रिक्रूट करना, या प्राइम नंबर उसके ऊपर अप्लाई करना, या इवन या ऑड, कोई भी एक स्पेसिफाइड पैटर्न अपने सैम्पल पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करके सैम्पलिंग करना, वो क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ ये भी इसी तरह है, बट यहाँ पे हम रैंडमली करते हैं और यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पैटर्न अपनाते हैं। बट इट यूजुअली स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद अ नंबर, बट इंस्टेड ऑफ रैंडमली जनरेटिंग नंबर, इंडिविजुअल आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल के ऊपर आप इनको रिक्रूट करते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, बट उसमें और SRS के जो हमारे पास, ये भी SRS ही है वैसे, बट सिंपल रैंडमाइज सैम्पलिंग जो है और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसमें ये है कि हम पहले क्या करते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक। स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक के बेस पे हम पहले ग्रुप्स बनाते हैं और फिर उन ग्रुप्स के अंदर हम रेंडमाइज सैम्पलिंग करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशंस दैट मे डिफर इन इम्पॉर्टेंट वेज। इट अलाउज यू टू ड्रा मोर प्रिसाइज कंक्लूजन बाई इंश्योरिंग दैट एवरी सब ग्रुप इज़ प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल। To use this sampling method, you divide the population into subgroups, strata बनाते हैं उनके based on the relevant characteristic, यानी gender, identity, age range या income bracket या job role, किसी भी characteristic के ऊपर आप उसके strata बनाते हैं, और फिर strata के अंदर
यानी ग्रुप्स के अंदर आप फिर सिंपल रैंडमाइज सैम्पलिंग करते हैं। इट्स बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिंपल रैंडमाइज सैम्पलिंग, दैट इज तो उससे क्या बनता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बनता है। पर इट में इसमें और इसके इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसके अंदर हम स्ट्रेटा तो बनाते हैं बट कंप्लीट स्ट्रेटा कभी भी रिक्रूट नहीं करते एज अ सैंपल, बल्कि उन स्ट्रेटा के अंदर हम फिर सिंपल रेंडमाइज सैंपलिंग करते हैं। जबकि इसके अंदर हम ग्रुप बनाते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं, बट कंप्लीट ग्रुप जो है वो हमारा क्लस्टर होता है और हम एक कंप्लीट क्लस्टर को रिक्रूट करते हैं फॉर आवर सैंपलिंग। उसके बाद कोटा सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, द सेलेक्शन ऑफ सैंपल इज मेड बाय रिसर्चर हु डिसाइड्स द कोटास फॉर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड सब ग्रुप्स। इसके अंदर एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक अपनाया जाता है, स्पेसिफिक टैग लगाया जाता है और उन लोगों को फिर रिक्रूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्चर है वो चाहता है कि वो कोई भी टीवी व्यूइंग हैबिट या टीवी वाचिंग हैबिट वो स्टडी करना चाहता है या उसके इफ़ेक्ट स्टडी करना चाहता है और उसने पॉपुलेशन साइज रखा है 40 रखा है, तो उसमें वो कहता है कि मैं उन लोगों को रिक्रूट करूँगा जिनके जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर टीवी देखते हैं। तो वो टीवी रिक्रूटिंग वो अब टीवी रिक्रूटिंग क्या, टीवी व्यूइंग क्या है या टीवी वॉचिंग क्या है, टीवी वॉचिंग जो है वो क्या है, कोटा हो गया, सही है। जो इसके ऊपर पूरा उतरेगा वही आपके पास क्या होगा, इंक्लूड होगा इन योर सैम्पलिंग। और वो फिर उसके ऊपर कहते हैं कि एडल्ट मैन भी एडल्ट मेल हो या एडल्ट फीमेल हो, तो उस तरह से ये उसको उसके ऊपर कोटा लगाता है। बहुत सिंपल है ये बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पूरा स्लाइड। इसके जितने भी ये टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, इनके एग्जांपल्स भी आपको आने चाहिए। हर एक का मैंने तकरीबन एग्जांपल दे दिया आपको और इनकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ज़रा इस पिक्चर से भी देखें, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सारे लोगों को कोई नंबर दिया और उनमें से फिर रैंडमली सेलेक्ट किया, कोई भी कुरानंदाजी के तौर पे या किसी तरह भी, या रैंडम कोड जनरेटर का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए उनको सेलेक्ट किया। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में देखें, अब यहाँ पे अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आई तो यहाँ पे देखें कि पहला सेलेक्ट किया, उसके बाद दो छोड़ दिए, फिर तीसरा सेलेक्ट किया, फिर दो छोड़ दिए, फिर अगला सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर दो छोड़ दिए, फिर सेलेक्ट किया, फिर दो छोड़ दिए। इस तरह एक स्पेसिफाइड पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पे पैटर्न नहीं था, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पैटर्न है, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसके बाद अब यहाँ पे देखें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर देखें, यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स है, बट इन ग्रुप्स में भी क्या किया हुआ है, रेंडमाइज सिंपल रेंडमाइज सैम्पलिंग की हुई है। अब इस क्लस्टर से दो बंदे आ रहे हैं, इससे एक आ रहा है, इससे भी एक आ रहा है, इससे भी एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे रेंडमाइज सैम्पलिंग हो रही है, सही है। लेकिन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक के बेस पे उनको डिवाइड किया गया है पहले, सही है। तो इस सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सिंपल सैम्पलिंग कहते हैं। और इसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग है, क्लस्टर में देखिए क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसके बाद पूरे क्लस्टर को रिक्रूट किया गया है। इनमें और इनमें आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर पूरा एक ग्रुप रिक्रूट किया गया है, पूरा एक ग्रुप रिक्रूट किया गया है, जबकि यहाँ पे ग्रुप्स में से फिर सिंपल रेंडमाइज सैम्पलिंग करके इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड सैम्पल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक तो इजीली होते हैं, ये बहुत इजी हो जाते हैं, और बट इनका एक मसला है जो कि इनका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इनमें बायसनेस आ जाती है और जो स्टेटिस्टिकल एरर्स होते हैं या आपकी जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं वो अप टू द मैक्सिमम स्टैंडर्ड नहीं रहते। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होते हैं, इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया एंड नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं मिलता टू बी रिक्रूटेड आर टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सैम्पल। दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दिस टाइप ऑफ सैम्पल इज ईजियर, ये इसके एडवांटेजेस है, और चीपर टू एक्सेस, बट ये उसका डिसएडवांटेज है कि इट इज़ एट हायर रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बायस।
सही है। नॉन प्रोबेबिलिटी सिंपलिंग टेक्निक्स आर ऑफन यूज इन एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। जो प्रोबेबिलिटी था वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर था, जबकि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सिंपलिंग है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर अच्छा है कि आप उसको यूज़ करें। इन दीज टाइप्स ऑफ रिसर्च द एम इज़ नॉट टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस अबाउट अ ब्रॉड पॉपुलेशन। ब्रॉड पॉपुलेशन के मुतालिक आप हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते, बट टू डिवेलप एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्मॉल और अंडर रिसर्च पॉपुलेशन। तो अब देखते हैं कि इनके कौन कौन से टाइप्स हैं और आगे इनका सबका क्या मतलब है। अब अगर आप देखें कि कन्वीनियंस सैंपलिंग, वॉलेंट्री सैंपलिंग, पर्पजिव और जजमेंटल सैंपलिंग या स्नोबॉल सैंपलिंग, ये स्नोबॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारी ज़्यादातर स्टडीज़ जो है वो स्नोबॉल सैंपलिंग के ऊपर ही होती है। कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर ये होता है कि जो भी आपका पॉपुलेशन है उनमें से जो लोग जो सैंपल साइज, तो आप पहले से आपको पता होता है कि मेरा सिंपल साइज ये है 100 बंदे 150 बंदे, तो जो भी आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होते हैं या इजीली अवेलेबल होते हैं वही आपका सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा हूँ और पूरे पंजाब के मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स के ऊपर, और मैं कन्वीनियंस सैंपलिंग को अपनाता हूँ, तो मुझे अपने कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट्स मिलेंगे दैट आर एट मोस्ट ईज एक्सेस, कि मैं उनको आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने कॉलेज अपने के ई के स्टूडेंट को रिक्रूट करता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी जो सब्जेक्ट्स या जो इंडिविजुअल्स आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं या ईजिली एक्सेसिबल होते हैं आप उनको ही सैम्पल बना लेते हैं, कोई और उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं लाते, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सही है, यह ईजी है, इनएक्सपेंसिव है और जो भी है। बट ये अब फॉर एग्जांपल मेरा सारा सैंपल के ई से पूरा हो जाता है, तो और मैं पूरा जो रिसर्च कर रहा हूँ वो क्या किस किसके ऊपर कर रहा हूँ, पंजाब के मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा हूँ, तो मुझे तो सैंपल तो सारा मिल गया, बट माय सैंपल इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट आर अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। ऑब्वियसली मैंने सारा जो सैंपल है वो एक ही कॉलेज से ले लिया और मेरा सैंपल कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं रिसर्च किस पे कर रहा हूँ, पूरे पंजाब के मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा हूँ, तो मेरा जो सैंपल रिसर्च तो कर सकता हूँ क्वालिटेटिव टाइप, बट मेरा जो सैंपल होगा वो इस स्टैंडर्ड का नहीं होगा कि उसका जितना भी जो कंक्लूजन होगा वो पूरे पॉपुलेशन के कंक्लूजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या कन्वीनियंस सैंपलिंग, विच इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसके बाद वॉलेंट्री सैंपलिंग है। वॉलेंट्री सैंपलिंग आप ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चनेयर या परफॉर्मा बनाते हैं और सब लोगों को सेंड करते हैं और उनसे कहते हैं को जो लोग वॉलेंटियरली इसको फिल करना चाहते हैं वो फिल करें। तो ये भी इसी तरह है, बट इसमें ये एक फैक्टर आ जाता है कि कुछ लोग इजीली वॉलंटियर कर जाते हैं और कुछ लोग वॉलंटियर नहीं करते, तो इसमें भी ऑब्वियसली फिर क्या आ जाता है, एक स्टैंडर्ड सैंपल आप नहीं ले पाते। द रीज़न इज़ के वहाँ पे फिर जो नेचुरल एक एटीट्यूड है टुवर्ड वॉलंटियरिंग फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो बीच में आ जाते हैं, कि कुछ लोग नेचुरली ये कैपेबिलिटी रखते हैं या ये टेंडेंसी रखते हैं कि वो वॉलंटियर करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, तो इस तरह से आपका सिंपल इफेक्ट होता है। सही है, बाकी आप यहाँ से पढ़ ले, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैंपल्स आर ऑलवेज एट लीस्ट समवट बायस्ड एज सम पीपल विल इनहेरेंटली बी मोर लाइकली टू वॉलेंटियर देन अदर्स लीडिंग टू सेल्फ सेलेक्शन बायस। इसके बाद पर्पजिव या जजमेंटल सैंपलिंग, उसमें ये होता है कि आप जो रिसर्चर होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ रखता है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर एक रिसर्चर है वो डिसेबल स्टूडेंट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट देखना चाहता है या एजुकेशनल टेंडेंसी देखना चाहता है, तो अब वो क्या करता है, वो उन लोगों को रिक्रूट करता है जो डिसेबल्ड हो या वो और साथ में एजुकेशन से भी रिलेटेड हो, तो वो एक पर्पज़ वो एक स्पेसिफाइड अप्रोच अपनाता है, दैट इज़ कॉल्ड जजमेंटल टाइप ऑफ सैम्पलिंग। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग आल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्चर using their expertise to select a sample that is most useful to the purpose of the research, यानी जो objective से most related हो
उसी को रिक्रूट किया जाता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑब्वियसली ये जितने भी है ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ही नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ही यूज होते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, द रीज़न इज़ के ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है। जब आप डिफरेंशिएशन के ऊपर आते हैं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो बेटर ये है कि आप एग्जांपल्स याद रखो। जिस तरह कन्वीनियंस का मैंने एग्जांपल दिया कि जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप उनको करते हैं। वॉलंटरी में आप सबको बेचते हैं और उनसे कहते हैं कि जो लोग वॉलंटियर करते हैं वो इस फॉर्म को फिल करें। जिस तरह क्लास के अंदर क्लास ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के अंदर कोई लिंक शेयर होता है कि ये गूगल फॉर्म फिल करें, तो जो लोग वॉलंटियर करते हैं वो फिल करते हैं, जो नहीं करते दे आर नॉट वॉलेंटियरिंग। तो आप यहाँ पे ये वाली टाइप ऑफ सैम्पलिंग आ जाती है। इसकी भी मैंने एग्जांपल दी डिसेबल्ड लोगों की। और यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी की एक टाइप है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज जो है सैम्पलिंग टेक्निक है। मैंने भी अपने रिसर्च के अंदर यही यूज़ की थी कि स्नोबॉल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चनेयर बनाता हूँ, मैं अपने मेरे 10 दोस्त हैं फॉर एग्जांपल या 100 दोस्त हैं, मैं उनको सेंड करता हूँ। अब मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये आप ख़ुद भी फिल करें और आगे भी जितने आपके फ्रेंड हैं उनको भी भेज दें, तो वो क्या करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि वो भी अपने फ्रेंड से कह दे के इसको फिल करें और नेक्स्ट भेजें। तो अब क्या करते हैं, मैं उनको भेजता हूँ वो फिल करते हैं, वो भी अपने 100 दोस्तों को भेजते हैं। इसी तरह वो आगे क्या करते हैं, उन दोस्तों को भी बताते हैं कि आप खुद फिल करें और आगे भी जितने आपके दोस्त हैं उनको भी फिल करें। इस तरह ये फैलती जाती है एक्सपोनेंशियल रेट के साथ। जिस तरह ये स्नोबॉल का नेम भी इस तरह है, जिस तरह आपने अगर कभी स्नोबॉल देखा हो तो स्नोबॉल को जब हम मारते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और हर एक टुकड़ा जब किसी और चीज़ के ऊपर लगता है तो मज़ीद स्प्लिट होता है, और वो जो छोटे पार्टिकल है वो अगर किसी और चीज़ के ऊपर लगते हैं तो दे फर्दर गो अंडरगो स्प्लिटिंग। तो वो स्प्लिटिंग होती रहती है, दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है और वेरी वेरी कन्वीनियंट है, क्योंकि इनिशियल इसमें क्या होता है कि इनिशियल जो रिक्रूटेड सैम्पल होता है वो फर्दर सैम्पल को रिक्रूट करता है। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ हार्ड टू एक्सेस, स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट वाया अदर पार्टिसिपेंट्स। जो आप इनिशियली पार्टिसिपेंट यानी मैंने जो फ्रेंड्स को सेंड किया वो मज़ीद फ्रेंड्स को रिक्रूट करेंगे, आपका जो इनिशियल पार्टिसिपेंट होता है वो मज़ीद पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करता है, दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। बाकी आप इधर से पढ़ लें और इसका स्क्रीन शॉट भी लें, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यूर वाइवा फॉर यूर सैम्पलिंग। और किसी भी जगह आप जाओगे तो यही चीज़ें पूछी जाती है। ज़रा इससे पिक्टोरियल वो भी देखें कि कन्वीनियंस में ये है कि जो इसके इजीली साथ में अवेलेबल थे, अप्रोचेबल थे, इजीली एक्सेसिबल थे, उन्हीं लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। पर्पज़ वो क्या थे कि जो इसके पर्पज़ से रिलेटेड थे उनको ही अप्रोच किया, जो इसका जो अपना ऑब्जेक्टिव था उससे जो लोग रिलेटेड थे उन्हीं को ये लोग रिक्रूट करते फॉर द सैम्पलिंग। स्नोबॉल में यही था कि उसने पहले 2 बंदों को रिक्रूट किया और उनसे कहा कि आगे मज़ीद लोगों को रिक्रूट करें, तो ये उसने फिर ये जो इनिशियल सब्जेक्ट्स थे या इनिशियल पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने फर्दर पार्टिसिपेंट को रिक्रूट किया, अब ये मज़ीद आगे और को रिक्रूट करेंगे, इसी तरह आगे फैलता जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या था, कोटा सैम्पलिंग ये था कि उनमें ये मैंने उसमें बता दिया नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में बता दिया, ये नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर ये कि स्पेसिफाइड ये भी पर्पज़ है के अंदर आता है कि उसी से रिलेटेड है कि उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड एक कैटेगरी बनाई जाती है। जिस तरह कोटा नॉर्मल आपने देखा होगा, कोटा क्या होता है, एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया रखा जाता है जिसके बेस पे कोई चीज़ अवॉर्ड की जाती है, तो इसी तरह सैम्पलिंग के अंदर भी एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया रखा जाता है जिसके बेस के ऊपर आप सैम्पल को रिक्रूट करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। और उसके बाद डेटा कलेक्शन, इट्स वेरी इजी, इसमें कोई चीज़ ऑब्वियसली याद करने वाली है ही नहीं, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चनेयर के ज़रिए, क्वेश्चनेयर तो बेसिक टूल है बट सिर्फ ये नहीं कि फॉर्म फिल के ज़रिए आप डेटा कलेक्ट करते हैं, बल्कि आप इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी, इंडिविजुअल्स के इंटरव्यूज़ लेके भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जो सऊदीया के अंदर रहने वाले जो लेबर्स हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर और उनके हेल्थ के ऊपर एक रिसर्च किया गया था, और वो सारा
फ़ोन कॉल्स के ज़रिए किया गया था। उसमें 70 to 80 पीपल रिक्रूट किए गए थे और उन सबको एक एक करके फ़ोन कॉल की गई थी और उनसे डेटा कलेक्ट किया गया था। तो आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्रुप्स के अंदर भी डिस्कशन के ज़रिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट की हिस्ट्री हिस्ट्री से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पुलिस के रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं फॉर इन्फेंटिसाइड्स या अबॉर्शन वगैरह से रिलेटेड, तो आप या फायर आर्म इंजरीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप पुलिस के रिपोर्ट से भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। ऑब्वियसली थोड़ा बोरिंग था, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर इट, आपने इसको करना होता है। सिंपलिंग टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए, अगर अभी से सीख लेंगे तो आगे आपको काम आएगा एंड यू वॉन्ट बी कन्फ्यूज्ड। किसी वाइवा के दौरान आपसे कोई भी सैम्पलिंग के बारे में अगर पूछा जाए, अमूमन यही पूछा जाता है कि आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की अपने रिसर्च के अंदर, फिर जब आप बताते हैं तो आप उससे कहा जाता है कि इसकी और कोई एग्जांपल दे, या आपसे कहा जाता है कि ये कौन सी टाइप में आती है, प्रोबेबिलिटी में आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है। फिर जब आप कहते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर और कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू learn all the things, but to focus upon the probability and non-probability sampling techniques. और जो और चीज़ थी वो थी सिंपल साइज कैलकुलेशन। सिंपल साइज कैलकुलेशन के अंदर वही फार्मूला है, कॉकरेंस फार्मूला, बट आपके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मौजूद है, आप गूगल करें और आप वहाँ से ईजीली अपना सिंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फार अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।